हम लोग फर्स्ट इनिंग्स में उनके टारगेट के आसपास जो उन्होंने बनाया था उसके आसपास अगर हम पहुंचते, जो लीड उनको जो मिला वो अगर कम से कम मिलता तो गेम कहीं पर भी जा सकता था। हमने फर्स्ट इनिंग्स में उतना अच्छा बैटिंग नहीं किया, हम 150 रन पे 5 विकेट खो गए थे। टीम में अहंकार घर कर गया और इस कारण भारत ने बाकी दुनिया को कम करके आंका है, ये कहना है वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज सर एंडी रॉबर्ट्स का। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम के बल्लेबाजों पर सवाल उठाते हुए कहा है, आपके हाथ में 7 विकेट थे और आप एक सेशन भी नहीं खेल पाए। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भारत के टॉप ऑर्डर की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते कुछ सालों में भारत के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों का एवरेज घर के बाहर 30 से कम रहा है। वहीं राहुल द्रविड़ ने कहा कि सभी अनुभवी प्लेयर का जो स्टैंडर्ड है उनका प्रदर्शन उनके मुताबिक नहीं है। दरअसल टीम इंडिया लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हार गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 10-20-100-50 नहीं बल्कि पूरे 209 रनों से मुकाबला जीता। पिछले 10 साल में भारतीय टीम 8 ICC टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंची, इनमें 4 फाइनल खेले लेकिन एक भी खिताब जीत नहीं सकी। जहां टीम इंडिया के हार को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और टिप्पणियां दे रहे हैं, वहीं हम लेकर आए हैं ऐसे 5 टेक्निकल पहलू जिसने इस साल टीम भारत की हार में कैटलिस्ट का काम किया है। पहला, कीपर की कमी। भारतीय क्रिकेट टीम में एक अच्छे कीपर की कमी कुछ ज्यादा ही खली। धोनी जो विकेट के पीछे से गेम पलट देते थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, ना ऋषभ पंत थे ना केएल राहुल, ऐसे में टीम को एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को कीपिंग का जिम्मा सौंपना पड़ा। दूसरा, बेस्ट प्लेयर नहीं थे शामिल। टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं उतरी। विकेट कीपर केएल राहुल, मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह यह मैच नहीं खेल रहे थे। अय्यर, राहुल और बुमराह चोटिल हैं, जबकि पंत कार एक्सीडेंट से रिकवरी कर रहे हैं। फाइनल मुकाबले में चारों की टीम को बहुत जरूरत थी। तीसरा, कंगारुओं की तैयारी थी बेहतर। जहां भारतीय प्लेयर्स को प्रैक्टिस का समय ही नहीं मिला, वहीं कंगारुओं की तैयारी भारतीयों से बेहतर थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कुछ महीने पहले ही इस मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी थी, वे ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड जैसी पिच बनाकर अभ्यास करते रहे। चौथा, स्ट्रैटेजी में भी चूकी टीम इंडिया। द ओवल मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की रणनीति ठीक नहीं रही। टॉस के दौरान कप्तान पिच कंडीशन को भाप नहीं सके और पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया। ओवल में धूप खिलते ही पिच का मिजाज बदला और मैच की परिस्थितियां भी बदल गई। बॉल पिच पर घास होने के बाद भी कम स्विंग कर रही थी, ऐसे में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने खूब रन बनाए और पहली पारी में 469 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। पांचवा, टीम सिलेक्शन। वर्ल्ड नंबर 1 अश्विन को नहीं लिया। अश्विन इस समय टेस्ट की दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। इतना ही नहीं, चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन के टॉप विकेट टेकर की सूची में भी तीसरे नंबर पर। अश्विन को नजरअंदाज करना भारत को यकीनन भारी पड़ा। इस बार स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्लेयर्स की कमी से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक सच्ची टीम स्पिरिट सिर्फ तभी आती है जब स्पोर्ट्स टीम का हमेशा साथ दे, चाहे हार हो या जीत।